हम प्रतिनिधि मोहन जी आर्य सदास्य पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भाई सत्यनारायण सारण भैरव सिंह जी राजपुरोहित श्यामलाल जी शर्मा मुरलीधर जी सैनी हरदयाल जी गुंडा राजूसर मंडल अध्यक्ष मैं तो केवल भाई आपके सामने मेरे मन की बात करना है। अब की बार और मेरा छठा चुनाव है, चार चुनाव इन नए परिसीमन के मार्फत में आपके बीच में लड़ चुके हूं। 2008 में नए परिसीमन हो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत जुड़ी बेटे हम आप मन आशीर्वाद और सहयोग देकर विधायक बनायो। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानो ये बात में कि 5 साल के मायने मन कोई विधायक बन गयो, मन तो जका भी आदमी जका भी व्यक्ति मिलता आई कहो भाई जी, और आज भी भाई जी कह। अब कोई बुजुर्ग है, कोई उम्रदराज व्यक्ति है, वो जाति के हिसाब से सेठ जरूर करे, आई हकीकत है। तो वह थारो भाई और छठो चुनाव आपके बीच में लड़ना आए। अब की बार शीर्ष नेतृत्व ने मैं अवगत करायो मेरे चुनाव लड़ने मैं आचाओ कभी 4-5 बार मन मौको मिल गयो पार्टी को नयो कोई कार्यकर्ता आप लोगों के सामने आवे चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी को निर्देश आदेश समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश मानकर छठो चुनाव लड़ने और आपको आशीर्वाद लेने एक योगासन की धरती पर आयो। निश्चित रूप से जगह वातावरण जगह स्थिति है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पक्ष में ही वास्ता है कि 4 साल के कांग्रेस के कुशासन से आम जनता त्रस्त है। पानी बिजली सड़क चिकित्सा कोई भी चीज चाहे नौकरी हुए कोई भी चीज के मायना सरकार सक्षम को नहीं। तो 1 साल को जो चुनाव है कि सरकार ना बना बतानी पड़ सी कि निश्चित रूप से थारे जनता उठ चुकी और आने वाले 2023 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सी इन कोई संदेह को। तो मेरा आप लोगों को निवेदन है कि मेरे दो आगे भी दो चुनाव की सभा जो कि छोटी छोटी सभा हुए मैं टाइम दे दियो इस वास्ते मैं आपके आप रुपयानी बोल रहा हूँ। अजय कटारिया जी आप इतनी देर में सदार सर एक बार की सभा में पहुंचे हो मैं बड़े पहुंच चुके हूँ, लेकिन बाढ़ में बात की जिस साफ साफ है। अब आप समझ लो थे कि सारा भाई नीचे ले रहा तक तो क्या काम आ गयो। अब आते कहते हैं पकड़ी पराई है नहीं आ मेरी तो चित्तू लेके आती बच्ची तो इन बचाने को काम इन नाड़ ने बचाने को काम थाने करना पड़ती चार हो गए। तो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने कोई दूर आए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पीछो जी। अभी सारी बात कह दी पीछो जी ने। गुलाब जी भाई साहब से निवेदन करूंगा 2 मिनट लगेंगे। भाई साहब कल इसी वक्त भाणुदा गांव में इसी प्रकार की बहुत बड़ी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी ऐसा ही भाषण अशोक जी ने दिया और कहा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में फिर हार तुम्हारे हाथों में। तो कुछ कार्यकर्ताओं का फोन आया कि अरे गिरधर जी हार उर को नाव ना लो कई सारे लड़े ही कोई है। अरे भी हार गिर को नाव खोल लियो पिंचो जी कहो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में फिर 8 तारीख को ये फूलों वाला हार तुम्हारे हाथों में, ये हार तुम्हारे हाथों में। हमारे बीच में गुलाब जी भाई साहब एक तो श्यामलाल जी शर्मा है जो भोरलाल जी के छोटे भाई हैं और एक सरदार सिंह पंचायत समिति के प्रधान डॉक्टर मधुसूदन जी ना
निर्धारित हुई थी। इन्होंने 5 दिन पहले हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत बड़ा पल भारतीय जनता पार्टी के परिवार को इनका मिला है। पहले हम बाणुगा जाते थे तो ये सोचते थे कि मोहनलाल जी का ननियाल है, यहाँ क्या हुआ पता नहीं। इस संसार में नहीं है तो हम छाती चोरी करके और कह सकते हैं कि वहाँ बाणुगा गांव में श्यामलाल जी का ननियाल है। तो बाणुगा गांव के लोगों ने पूरा विश्वास दिलाया है कि भारी बहुमत से इस पिंचा को हम आगे रखेंगे। 4 लाइन की कविता मैं गुलाब जी भाई साहब के सानिध्य में ये बोलना चाहूंगा। कुछ दिनों से लालसा थी कि कभी बड़े मंच पर बोलूं, बस 1 मिनट लगेगी। भारत माता के मस्तक पर घाव बहुत ही गहरा था, काश्मीर की हर गाड़ी पर कुछ श्वानों का पहरा था। श्वान भोंकर डरा रहे थे, सिंह नींद में सोए थे। इस निद्रा के कारण हमने घाटी में वीर हजारों खोए थे, वीर हजारों खोए थे। बर्फानी बाबा के दर्शन थे अब तक आसान नहीं। क्या हम पंगु हुए हैं, क्या ये अपना हिंदुस्तान नहीं, क्या ये अपना हिंदुस्तान नहीं। पहुंची जब ये पीड़ा अपनी भारत माँ का लाल उठा, नरेंद्र मोदी। पहुंची जब ये पीड़ा अपनी भारत माँ का लाल उठा, अपना असली रूप दिखाने ले त्रिशूल महाकाल उठा, ले त्रिशूल महाकाल उठा। करी ध्वस्त 370 जो दीवार बनाती थी, उसके हर एक शब्द पंक्ति से वो नफरत की आती थी। 35A का भी संघार किया, जब देश का बच्चा बच्चा बोल उठा, हाँ मोदी है तो मंदिर बनना भी मुमकिन है, मोदी है तो मंदिर बनना भी मुमकिन है, जो मंदिर आज बन रहा है। मिटा दिया नासूर देह से, भारत माँ हरसाई है। वंदे मातरम हो स्वीकार बधाई है, हो स्वीकार बधाई है भारत माता की। अब मैं गुलाब जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। भारत माता की। हमारे इस गोगासन मंडल के अध्यक्ष भाई संजय जी, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे मंच पर खड़ा हूँ जिस मंच के कई व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में अपने नाम को हमारे पास आए। आज हमारे सांसद महोदय भी यहाँ विराजमान हैं। राहुल जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके पिताजी के साथ भी काम कर चुका हूँ, वो भी जब यहाँ सांसद रहे तब भी। अभी आपने देखा होगा कि मेरे साथ महर्षि जी विधानसभा में हैं, पिताजी भी मेरे साथ विधानसभा में रहे हैं और सिंगल साहब भी मेरे साथ विधानसभा में रहे। सच में आज मैं आपकी इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी मीटिंग और ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा है जहाँ जो अपने आप को एक उम्मीदवार मानते थे वो आज सब मंच पर अशोक पीसा जैसे एक कार्यकर्ता को समर्थन देने के लिए सहयोगी बनकर खड़े हैं। आदरणीय श्याम जी भी उसमें से एक उम्मीदवार, मधुसूदन जी भी एक उम्मीदवार, वो हमारे श्रीचरण जी साहू साहब भी एक उम्मीदवार के रूप में थे, सैनी जी भी हमारे एक उम्मीदवार के रूप में थे। मतलब मैं सोचता हूँ कि सारण जी भी हमारे एक उम्मीदवार के रूप में थे। वास्तव में आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे राजनीति के 44 साल के जीवन में पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि कोई एक साधारण कार्यकर्ता को अपना समर्थन देकर के पार्टी का सहयोग कर रहा है। जो पार्टी में सम्मिलित हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप केवल पीटा जी का समर्थन करने नहीं आए हो,
आप इस देश को बचाने वाले नरेंद्र मोदी को समर्थन करने आए हो, मैं स्वागत करता हूं। आपने जिस बड़े सोच के आधार पर जो निर्णय किया है, पर मैं बनाऊं, पर मेरे खिलाफ भी 10-20% लोग मेरे उदयपुर के, मेरी पार्टी के मेरे खिलाफ बात करते होंगे, पर ये पहला बंदा देखा है, एक भी व्यक्ति ने इसके खिलाफ बात की। ये मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहला व्यक्ति देखा है जो वास्तव में सबके मन में समाया हुआ है। लेकिन राजनीति तो वोटों की होती है, जनता भेजती है तो ही जयपुर जाते हैं, नहीं तो अपने गांव जाते हैं। इस वोट की पेटी में से ही देश पैदा होता है और इस देश वोट की पेटी में ही देश मरता है। पैदा करने वाले भी माई बाप आप और मारने वाले भी माई बाप आप। ये सामान्य काम नहीं है, मैं बहुत विनम्र नजर लिया, मैं कभी भी आपको जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहता, कभी भी ये सौगंध नहीं कराता हूँ कि आप मुझे ही वोट दो, मैं नहीं, मैं आपसे ये सौगंध कराता हूँ भगवान के लिए ताकड़ी में तोल करके वोट देना सिखाओ, सीखो क्या देश के हित में होगा और क्या देश के हित में नहीं होगा, क्या हमारे क्षेत्र के हित में होगा और क्या हमारे क्षेत्र के हित में नहीं होगा। अगर इतना सा अगर ये हिंदुस्तान 70 साल में ईमानदारी सीख जाए तो इन सब नेताओं की दुकान हो जाए। मैं चाहता हूं कि वो दिन देश के लिए बहुत भाग्यशाली होगा जिन इनको चक्कर देने और झूठ बोलने वाले नेताओं को जाजम से उठा करके फेंक दे ना, और जनता अपना निर्णय अपने हाथ में पकड़ ले कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये निर्णय हम करेंगे, तब जाकर के देश का लोकतंत्र खड़ा हो। हमारा कोई बापोती झगड़ा नहीं कांग्रेस से, आपके और मेरे पिताजी भी कांग्रेस का झंडा लेकर प्रचार करते थे। हम बचपन में जब कभी जनसंघ के साथ लग करके झंडा निकालते थे थप्पड़ मारते थे, ये क्या कर रहे हो। ये जी एक बड़ी पार्टी जिसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में राज था, आज वो एक कोने में क्यों घुसती, किस कारण से घुसी है, क्योंकि लोग देश की जनता ने समझने का प्रयास किया है। जिन लोगों ने हमको इतना ऊपर उठाया उन्होंने देश को खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। क्या देश की आजादी के लिए फांसी लड़ने वाले लोगों ने यह कल्पना की थी कि ये मेरा देश आजाद होने के बाद लुटेरों का मुल्क बन जाएगा, राजनेताओं के भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जलकर खाक हो जाएगा, परिवारवाद पैदा हो जाएगा, एक मोटा परमिट लाइसेंस का राज बन जाएगा। लेकिन ये सारा राज बना पर बनाने में आपका भी हाथ है दोस्तों, ये कड़वी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने हमको वोट की पेटी से पैदा किया इसलिए हम दिल्ली और जयपुर गए हैं। अगर आप ये वोट की पेटी में पैदा करते समय माथे पे हथौड़ा मार के नहीं कहोगे ना तो निर्णय देश के हित में नहीं होगा। मैं गुलाब चंद कटारिया आज अच्छा हो सकता हूँ, कल मैं खराब भी हो सकता हूँ, कल मैं रास्ता भटक सकता हूँ, कभी मेरी नीतियाँ गलत हो सकती है, पर आप मेरे साथ तब तक रहना जब तक मैं देश के लिए काम करता हूँ, तब तक मेरे साथ। लेकिन मैं भटक जाऊं और अपने स्वार्थ में फिट जाऊं तो आप मैं हूं चाहे मेरी पार्टी का कोई हो, रगड़ो, कोई दया करने की जरूरत नहीं है, रगड़ो इनको। जिस प्रकार के हालात इस देश की राजनीति ने किया है ना, अभी हमने गिल्हारी जी ने एक गीत गाया, मैं आपको सच कह रहा हूं, इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए कितने लोगों का बलिदान हुआ है संख्या नहीं गिन सकते हो आप। पत्थरबाजों ने पत्थर मार मार करके हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, और सरकार कहती है मैं नहीं कहूं जब तक गोली मत चलाना, लेकिन आपका ये देश का एक छोटा सा चाय बेचने वाला बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है ना, वो कहता है कि पहली गोली तो मत मारना, लेकिन अगर सामने वाला एक गोली मारे तो साले को 10 ठोकना, मैं नरेंद्र मोदी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये अंतर है पार्टी और पार्टी में। वो मोनी बाबा चुपचाप बैठे रहते थे, इन्हें कोई आकर के हमको भजीट जा रहा है, हम एक लव लेटर लिखते थे, क्या इस लव लेटर से देश चलता है। जैसा सामने वाला करता वैसा करना पड़ेगा तब जाकर के देश बचता है। आज बीजेपी और कांग्रेस में अंतर यह है, आज हमारी सेना इतने आप में बुलंद पर है, एक तरफ चीन को भी भेटी मार रहा है और एक तरफ पाकिस्तान को भी भेटी मार रहा है, यह है बीजेपी।
क्योंकि हम ये जो बीजेपी का काम करते हैं ना, ये किसी नेता की चाकरी का काम नहीं करते, हम देश बनाने का काम का सपना लेकर के इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, हमने अपनी जवानी यहाँ खाक में इसलिए नहीं मिलाई है, आप और हम तो जो गली में आते थे ना, ये सुरेंद्र बैठा है, ये भावड़ा जी मेरे सीनियर बैठे हैं, इन लोगों से हमने सीखा है, इन लोगों ने जिस तपस्या से इस जनसंघ के पौधे को बड़ा किया है और आज ये वटवृक्ष बना है ना, ये बदौलत भावड़ा जी और भैरव सिंह जी के बदौलत बना है, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया लेकिन इस पार्टी के साथ रहे। लोग हमें चिढ़ाते थे, दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। हम आते थे तो आपके गांव में उरेटा देके भाटा फेंकते थे आप हमारे साथ, पर हमने कहा नहीं, ये कांग्रेस जिस रास्ते जा रही है देश को डुबाने वाला रास्ता है, ये तुष्टिकरण के रास्ते पर हिंदुस्तान का अपमान होने वाला रास्ता है। हमारे बाप दादाओं ने अपने सर कटाए ना, तो इस देश की मान संस्कृति और इस देश के मान और मर्यादा के लिए मान कटाया है। एक साल नहीं, हजार साल तक हमारे बाप दादा लड़े हैं, किसके लिए लड़े हैं, हमारी धरती की पवित्रता और इसकी खान के कारण से लड़े हैं, और आपने 70 साल में इसको मटिया मेट करके रख दिया। 70 साल में हमें ये लगा यार ये देश अपना है या क्या, मजाक कर रही है, यानी हिंदुस्तान का तिरंगा जम्मू कश्मीर में पैर के नीचे रगड़ करके हमको टीवी पे दिखाता था, देख मेरा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा मेरे जूते के नीचे है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन सबके दिमाग ठिकाने करके अब वो राजचौक में तिरंगा वाला झंडा बना के खड़ा कर दिया है। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, दो पार्टियों के बीच में भी सोचना पड़ेगा इनके कामकरण और चाल चलन कैसा है। एक ऐसे नेताओं के भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक हो गया, कोई कोयला खा करके जेल जा रहा है, कोई टेलीफोन के तार खा के जेल जा रहा है, कोई घास खा के जेल जा रहा है, कोई शक्कर खा के जेल जा रहा है, कोई बिल्डिंग का पत्थर खा करके जेल जा रहा है, कोई खेल का सामान खा के जेल जा रहा है, वो पार्टी है ये, और एक बंदा बीजेपी का, ये 20 साल से देश का प्रधानमंत्री, 13 साल तक राजस्थान गुजरात का मुख्यमंत्री और 8 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, किसी की माँ ने दूध पिया हो एक थप्पड़ लगा के बताओ। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस, इस अंतर को समझना हो। अगर देश का मान और सम्मान बढ़ाना है ना, तो हमें अपने आप को भी कसना होगा कि वास्तव में हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं। आपको लगता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये देश को कांग्रेस चला कैसे रही है। आपने देखा होगा जिस काशी विश्वनाथ की बात आज कहते हो, देश की आजाद हुए इतने साल हो गए, क्या काशी विश्वनाथ का सम्मान पहले नहीं हो सकता था? तुम तो सोचते थे कि अगर हम काशी विश्वनाथ का सम्मान करेंगे तो तुम्हारे वोटों की खेती बिगड़ जाएगी, इसके कारण से भगवान को भी तुमने जिस हालात में रखा उसका अगर उद्धार कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दोनों में अंतर है, समझने का कोशिश करो। जब तक आपके दिल और दिमाग में ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम दो पार्टी क्या है, क्या चीज है हम, है ना, हम लोगों ने जिस बात को लेकर के प्रारंभ की ना अपनी यात्रा, वो इस कारण से की है। मैं आपसे अशोक जी को मैंने बहुत मनाया, मैंने कोशिश की, अशोक तू यार चुनाव लड़ यार, सारे कार्यकर्ता तुझे चाहते है, वो कहता भाई साहब मेरे बस का रोग नहीं है, अब इसके बाद भी अगर ये छठा चुनाव हार गया ना तो जिंदगी से फिर कभी कोई पार्टी इसको चुनाव नहीं लड़ाएगी, ये अब आपके हाथ में है कि ऐसा गरीब बच्चा और राजस्थान की विधानसभा में जाकर के आपका मान और सम्मान बढ़ाए या न बढ़ाए, ये आपको सोचिए। अगर पैसों के पीछे और पैसों के बिखेर करके लोकतंत्र का तमाशा अगर चलता रहेगा तो फल तो आप ही भुगतो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हम तो आप कहोगे हम चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मन तो बहुत दुखी हो गया। ये 4 साल तक जो राजस्थान की सरकार चली ना, ये सरकार चल रही है, आपको लगता है एक मंत्री क्या कह रहा है, उस मंत्री को गाली दे रहा है, दूसरा उसको दे रहा है, तीसरा बोल रहा है कि डोलोरे में बैठ करके जाओगे, चौथा बोल रहा है कि साला ये सब लुटेरे लुटेरे आ गए, क्या कमाल है ये सरकार है, और उस सरकार को आप थप्पा लगा के भेजोगे ना तो वो सामने से हेगड़ी करेगा, अशोक गहलोत खड़ा होगा, मैं इधर बैठूंगा, ए देख लिया गुलाब जी क्या हुआ, तो मैं माथा नीचा करके रोऊंगा, और तो क्या करूंगा, और दुख होता है। अगर इसका निर्णय मेरे अकेले को नहीं करना, अशोक को करना है, क्योंकि ये मेरा ही है क्या देश, और इसका मान और सम्मान आपका नहीं है, ये लोकतंत्र आपका नहीं है,
ये लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति अच्छा जाए, ये आपका जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? मैं आज अच्छा हूँ, मेरी मदद करो, मेरी पार्टी अच्छी है, मदद करो। अगर हम बिगड़ जाए तो रगड़ के मारो, ताकि कम से कम देश का लोकतंत्र तो सही चले। अब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों को, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यानी क्या तमाशा हो रहा है। चारों तरफ से सब MLA को मुख्यमंत्री बना दिया, केवल राज की कुर्सी चाटते रहो और बने रहो, चिपके रहो, क्या तमाशा हो रहा है। हर एक MLA जिस प्रकार से झूठ रहा है, राजस्थान की जनता रो रही है, और आपको हम सबको शर्म आनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव नहीं जीतते हो तो डूब मरो। इन हालातों के बाद भी चुनौती नहीं आती, तुम्हारे दिल में जगह नहीं होती, तुम्हारे मन में अफसोस नहीं होता कि आगे हम कर क्या रहे हैं? अगर इसका कि बहुत दुख होता मुझे, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ कि गरीब घर का बच्चा आज की तारीख में प्रतिपक्ष का नेता बनकर के बैठा हूँ, 8 बार विधानसभा में चुन करके आया हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर जिन संस्कारों में भावड़ा जी ने और भैरव सिंह जी ने पालकर मुझे बड़ा किया ना, मैं उन संस्कारों के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कुछ नमूने बचा लो, ये राजनीति के नमूने बचा लो, नहीं तो राजनीति जिस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गई है उसको रोकेगी कौन? ये जनता रोकेगी। किससे रोकेगी? वोट की पेटी से रोकेगी। जो कुछ भी होना है इसके अंदर होना है। आप जो पैसा हमको देते हो ना, वो पैसा गुलाबचंद जी के काका जी का नहीं है, और न गहलोत साहब के काका जी का है, न मोदी जी का है, किसी का नहीं है। अरे इस मुल्क के मालिक को तुम्हारा खून पसीने का पैसे से हमारा ये बजट बनता है। हमारे पास जो पैसा आता ना, ये आपका है। हम इस पैसे का भी टांका मार रहे हैं और आप बैठे बैठे आके देख रहे हो। कमाल हो गया, बहुत दुख होता है। मैंने भी राजनीति के 44 साल के जीवन में यार ये पहला प्रधानमंत्री देखा है जिसने इन चोरों का इलाज निकाला। खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो, समझ में नहीं आया क्या कहना चाहता है। खाते खोलो, खाते खोलो, हमारी समझ में नहीं आया, इतने साल राजनीति में है। लेकिन इस आदमी ने कहा नहीं, जाओ मैं तुम्हारी जमानत दे रहा हूँ, खाते खोलो। हर गरीब का 44 करोड़ 45 करोड़ खाते खुले, और अब सरकार का पैसा सीधा कहाँ जाता है? खाते में जाता, खाते में कट लगा बेटा, कट लगा। कांग्रेस जी कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, क्यों? पहले कट मारते थे, अब कट बंद हो गया। अच्छे दिन सोचते, आज की तारीख में एक बटन दबाया ना किसान सम्मान निधि का, एक बटन 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में, 11 करोड़ किसानों के खाते में देने वाला अगर कोई पार्टी का मुनाफा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। पहले तो यहाँ जमींदार बांट में आते थे ना, तो आधा देश में भर के भेजाते नहीं, चाहे आपका बेटा तहसीलदार हो, चाहे मेरा लड़का तहसीलदार हो। सच है, चुकारा करने वाला आता है, वो ठेले में लेके आता है, जैसे समझता मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गरीब जनता के टैक्स के पैसों की तिजोरी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने उसको देखने की कोशिश नहीं की, उसको देखने की कोशिश नहीं की, और उसके कारण से इधर अब ये जो बात कहते हैं ना मोहनलाल जी शर्मा, वो स्वर्गवासी हो गए, बहुत अच्छे। हमें भी उनके 5 साल के लिए चुना था, हमने थोड़ी चाहता कि आप 5 साल, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं थी। अब ईश्वर की इच्छा अगर चुनाव हो रहा है ऐसे समय में, अगर आप 2 कार्यकर्ताओं के बीच में, एक मोहनलाल जी के सुपुत्र हैं और एक साधारण कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ करके BJP का झंडा तोड़ करके घूमता फिर रहा है, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। इस मुकाबले में आप लोग मदद करने नहीं खड़े होंगे तो ये अच्छाई का बीज घूम जाएगा, अच्छाई का बीज घूम जाएगा। इस अच्छाई के बीज को घूमने मत दो, इसको आप बचाने का प्रयास करो। मैं तो वास्तव में आज की तारीख में आपने देखा हो ना, कहते हैं कि 8 घंटे बिजली आएगी किसानों को, आ रही है क्या? आ रही है। अरे 5 घंटे आती, वो भी रात को देना शुरू कर दिया, ठंड में मेरा काका जी करेगा पाड़ा चुना, कौन करेगा? इन सब नेताओं को एक दिन ले जाओ यार, इनको सबको खेत में खड़ा कर दो, जाओ करो, यहाँ पता लगता है क्या होता है, किसान के दर्द को समझ में आता है कि नहीं आता है, यानी किस तरह से वो जीवन गुजार रहा है। और उसके बाद भी मैं पानी पहुंचाता हूँ और उधर से लाइट चली जाती है, रो क्या?
और फिर भी आप छप्पा लगा के भेजोगे तो वहाँ हैंगरी करेगा 14 यूं फेल कर ए देख लिया। हाँ भाई देख लिया, और तो क्या किया, और दुर्भाग्य नहीं है बहुत ये है ना, इन सब बच्चों का गुड़ लगा दिया था कि तुम सबको या तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो 3500 रुपया महीने का मिलेगा। बच्चे ने कहा चलो बरात में इसके भेजक नहीं गए, आपका बच्चा तो छोड़ो, मेरी बच्ची मुझे कहती है पापा आप राजनीति में इतने साल कम करते हो, कम से कम अशोक गहलोत ये तो कह रहा है कि अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो 3500 रुपया मिलेगा, मेरी बच्ची कहती है मुझे। इसका मतलब इस बारात में कुछ लोग गए कि नहीं गए, गए गए गए। अब ये गुड़ यहाँ लगाया, कितने ने खाया बताओ, कितने ने खाया? 17 लाख बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है, 17 लाख। और ये सरकार ने एक कैप लगा दिया, क्या केवल 1,62,000 बच्चों को भत्ता मिलेगा, कितना 1,62,000, उसमें से 85,000 का भत्ता हम वसुधाई की सरकार के समय दे रहे थे। तो अब ये बची हुई यही तो है तुम्हारी उपलब्धि, उन बच्चों के कष्ट को समझो यार, जो बच्चा आज पढ़ा लिखा मारे मारा फिर रहा है ना, वो आप और मुझसे इस वोट के आधार पे पूछेगा कि आपने इसको छप्पा लगा करके शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तेने नहीं दिया बेकारी भत्ता, कोई बात नहीं जीतो, ये करना चाहता।